तो गुरु एमसीयू की व्हाट इफ सीरीज हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में क्या क्या टीज दे रही है। पहले तो अपन को नजर आ ही गया है कि भाई अल्ट्रॉन बॉट्स नजर आ जाते हैं, मगर अभी भी वो उस ओपी मोमेंट की बात करें उनका स्केल कितना बड़ा होगा, क्योंकि भाई एनिमेशन तो फाड़ा हुआ था और मैं नहीं चाहता कि लाइव एक्शन भी इसको लेकर अपने हाथ पीछे खींचे, हिला दीजिए पूरा। तो गुरु दूसरा पॉइंट इन्हीं के साथ खड़ा होता है कि अगर अल्ट्रॉन बॉट्स हैं तो अल्ट्रॉन भी तो होना चाहिए, लेकिन लॉजिकली देखे तो जैसे रूमर्स और लीक्स निकल के आ रहे हैं इन बॉट्स का पट्टा टोनी स्टार्क ही पकड़े होंगे। लेकिन फिर क्या आपने टॉम क्रूज भाई अपने टोनी स्टार्क व्हाट इफ के अल्ट्रॉन की तरह एक्सट्रीम मेजर्स को पकड़ सकेंगे? अब फॉर श्योर उनकी हेल्प करने के लिए वो इल्यूमिनाटी ग्रुप तो जरूर होगा, लेकिन ये अच्छाई भलाई और शांति के लिए वो किस हद तक गिर सकते हैं? जैसे कि व्हाट इफ में हमें देखने को मिला था क्या वो पूरे मल्टीवर्सल लेवल के जेनोसाइड को मचाने के लिए तैयार हो जाएंगे? मगर वैसे भी तुम क्या देखना चाहोगे? एंड नेक्स्ट अपना सुप्रीम स्ट्रेंज मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल वेरिएंट जिसने अपने प्यार को वापस लाने के लिए डार्क मैजिक इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया कि उसकी सैनिटी उससे ऑब्सेशन से करप्ट होने लगी, एंड बाय डूइंग सो इसने पूरा यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अपनी गलतियों को समझने के बाद उसने अपने घर को तो नहीं मगर मल्टीवर्स को बचाने के लिए सुप्रीम स्ट्रेंज आगे आए, क्योंकि वो अब किसी और का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते थे। अब खैर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 हमें स्ट्रेंज के एक दो नहीं बल्कि कई सारे और वेरिएंट्स को दिखाएगा, उसमें से एक डिफेंडर स्ट्रेंज भी होने वाला है, लेकिन उसकी हिस्ट्री क्या हो सकती है? मे बी हमें ये प्रीक्वल पहले देखने को मिल गया एंड नाउ हमें डिफेंडर स्ट्रेंज की कहानी फिर देखने को मिले। क्या मोटिवेशन इसके बीच में मचाया हुआ था कि भाई एक डॉक्टर मल्टीवर्स को आने के लिए निकल पड़ा? और ऊपर से हमें उसका ट्रेलर में जरूरत से ज्यादा डार्क मैजिक को कंज्यूम करने वाली थ्योरी भी सही होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसका असर तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बुरा होते नजर आ रहा है। अब खैर अगर डार्क मैजिक के असर की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से ज़ॉम्बीज की बात कैसे भूल सकते हैं? मार्वल ज़ॉम्बीज का एक बहुत ही बड़ा पार्ट व्हाट इफ में हमें देखने को मिला था एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की ज़ॉम्बी ओरिजिन का टीज भी हमें थोड़ा सा मिल ही चुका है, लेकिन वो जो पूरा प्लैनेट वाला भाई नैरेटिव चल रहा था कि उसकी अपनी एक डेडिकेटेड हिस्ट्री थी अलग से मल्टीवर्स में, वो पूरा ना सही अपने को वो देखने को मिले। लेकिन एक मल्टी डायमेंशनल जंप में हमें एक स्ट्रेंज विजिट्स नजर आ सकते हैं, जहां व्हाट इफ के क्लाइमेक्स में भी हुआ था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ॉम्बी यूनिवर्स के ज़ॉम्बीज को अपनी मेन यूनिवर्स में ले आते हैं बस ध्यान भटकाने के लिए, कुछ बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं होता है, बस ध्यान ही भटकाया जा सकता था। लेकिन इसके अलावा अपन को एक बहुत ही मजेदार सा टीज देखने को मिला था जब डॉक्टर स्ट्रेंज चैविस के साथ मल्टी डायमेंशनल जंप मार रहे थे, क्योंकि स्ट्रांगली वो पूरा सीक्वेंस व्हाट इफ की तरह एक बैटल सीक्वेंस की तरह ही होगा, जहां पे जब अल्ट्रॉन वॉचर को पेल रहा था और हर एक पंच के साथ रियलिटी चेंज होने लगती है और वो कूल बहुत था। परंतु इन्हीं सारी बातों के साथ एक हल्का सा फ्रेम हमें एक एनिमेटेड सेटिंग का भी नजर आ जाता है, जिसका पहले से बहुत ही सारी थ्योरीज आ चुकी है कि वो स्पाइडरवर्स में जा रहा है या डॉक्टर स्ट्रेंज का अपना ही अलग ही यूनिवर्स है वगैरह वगैरह। लेकिन इससे और ये बात स्ट्रांग हो जाती है जब डॉक्टर स्ट्रेंज के प्रमोशनल मटेरियल में हमें एक ऐसा ही एनिमेटेड पोस्टर टाइप देखने को मिला था। प्रोबेबली हमें इससे सिमिलर एक एनिमेटेड यूनिवर्स भी देखने को मिल जाए, लेकिन देखते हैं कि हाइब्रिड सीजीए कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी मैं इस तरीके के एनिमेशन का ज्यादा फैन तो नहीं हूं, क्योंकि मैंने देख लिया टॉम एंड जेरी में कैसा इन्होंने हगा था। खैर इसके अलावा तुम अपने ओपिनियंस कमेंट्स जरूर बताना कि तुम्हें क्या ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और व्हाट इफ से क्या चीजें तुम यहां पे सिमिलर जोड़ के देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डीसी से बैटमैन मूवी के एंडिंग के बारे में जानना है और प्लस उसके पोस्ट क्रेडिट के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।